हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th, सब्जेक्ट होगा हमारा गणित और ये कार्यपत्रक नंबर 73 है जो कि 21 जनवरी 2022 के लिए है, ठीक ना। तो इस कार्यपत्रक में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, जो कि हमने पिछले कार्यपत्रक में भी पढ़े थे, ठीक ना। इस हफ्ते के जितने भी कार्यपत्रक हैं वो इसी पर आधारित हैं। तो इस कार्यपत्रक में भी हम एक ठोस से दूसरे ठोस में अगर बदल दिया जाए तो उनमें उनसे आधारित जो प्रश्न होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न होते हैं, वो हम लोग कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसे इससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इस कार्यपत्रक में भी यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं और सवाल दिए गए हैं उनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखिए, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनको कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए, पहला उदाहरण यहाँ पर दिया है। 7 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गहरा कुआं खोदा जाता है और खुदाई से निकलने वाली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर क्रॉस 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया जाता है, ठीक है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है कि एक कुआं है, उसको खोदा जाता है और उसमें से जो भी मिट्टी निकला है उसको एक जगह इकट्ठा करके घनाभ के आकार का चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा घनाभ के आकार के ही होगा, ठीक ना। और उस चबूतरे की जो लंबाई है वो 22 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है, ठीक है। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी लंबाई चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई हमको निकालना है उस चबूतरे की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न में एक जो सूचना है, एक जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो ये है कि जो कुएं की गहराई है वो हमको नहीं दी गई है, ठीक ना। तो यहाँ पे इस प्रश्न में एक मिस्टेक है कि कुएं की गहराई नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हल किया है इसको तो कुएं की गहराई कितनी दी गई है, h बराबर 20 मीटर, यानी यहाँ पे जो कुएं की गहराई होगी वो कितनी होगी, 20 मीटर होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। पिछले भी जितने भी हमने वर्कशीट किए हैं उसमें हमने बताया था कि अगर एक आकार से दूसरे आकार में बदला जाता है तो उनका आयतन नहीं बदलता है, ठीक है। तो उस नियम का यहाँ पर भी उपयोग होगा और हम लोग उसी नियम को लगाकर कि एक आकार से दूसरे आकार में अगर बदला गया तो आयतन नहीं बदलेगा, और सारी चीज़ें बदल जाएंगी तो बदल जाएंगी लेकिन आयतन नहीं बदलेगा, ठीक ना। तो उसी नियम का हम लोग यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। अब देखिए, ये यहाँ पर एक कुआँ है, इस कुआँ को खोदा गया जिसका व्यास 7 मीटर है और जो गहराई है, यानी एक तरह से देखा जाए तो ऊंचाई कह लीजिए, कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। तो ये कुआं कैसा है, बेलनाकार है। तो बेलन का व्यास दिया गया है और गहराई दी गई है, यानी ऊंचाई दी गई है, ठीक है। अब व्यास दिया है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुएं को खोदा गया, उससे मिट्टी निकाला गया, यानी जितना कुएं का आयतन होगा उतना ही मिट्टी का आयतन होगा जो कुएं से खोद कर निकाला गया है। समझ में आ रहा है ना, जितना कुएं का आयतन होगा उतना ही मिट्टी खोद कर बाहर निकाला गया है, उस मिट्टी का आयतन होगा, ठीक है। और उसी मिट्टी से ये जो हमारे पास चबूतरा दिख रहा है इसको बनाया गया है, यानी यहाँ से जो मिट्टी निकली है, यहाँ से जो मिट्टी निकली है जितने आयतन की, उतने ही सेम आयतन की ये चबूतरा बना दी गए, यानी यहाँ से निकली मिट्टी का आयतन और इस चबूतरे का आयतन क्या होगा, बराबर कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, ठीक है, कितना होगा, कुएं के आयतन के बराबर होगा, है ना। जितना मिट्टी निकला उतना ही कुआं का आयतन होगा। तो कुएं का आयतन, चूंकि कुआं कैसा है, बेलनाकार है, तो हम बेलन का आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई, यहाँ से देखिए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या 7 का आधा कितना होगा, व्यास कितना दिया है, 7 दिया है, यानी 7/2 कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा, यानी 3.5, है ना। 7/2 यानी 3.5 त्रिज्या आ गई। एच कितनी दी गई है, 20 मीटर, ठीक है। यहाँ पर हमने रख दिया गया, यहाँ पर सूत्र में पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई फिर 3.5 यानी आर का स्क्वायर इंटू 20 यानी एच। फिर उसके बाद इसको हल किया गया तो 3.5 दो बार कर दिया गया यहाँ पे पाई का वैल्यू रख के, तो यहाँ से इसको गुणा कर दिए तो कितना आ गया, 770 मीटर क्यूब,
चूंकि आयतन है इसलिए मीटर क्यूब, यानी मिट्टी का आयतन कितना आ गया, यहाँ से जो निकली है मिट्टी उसका आयतन आ गया 770 मीटर क्यूब। अब यही आयतन का मिट्टी कहाँ जाएगा, इस चबूतरे में जाएगा, तो मतलब यहाँ से जितनी मिट्टी निकली है इसके आयतन के बराबर हो जाएगी। अब इसका आयतन क्या होता है, चूंकि ये घनाभ है ना, कैसा है ये घनाभ है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं चबूतरा बनाने के लिए मिट्टी को फैलाया जाता है, माना चबूतरे की ऊंचाई जो है वो हमने मान लिया h मान लिया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से जितनी मिट्टी निकली है उसका आयतन और चबूतरे का आयतन दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे, तो यही यहाँ पर किया गया है, बने चबूतरे का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन। अब मिट्टी का आयतन हमने निकाल लिया है, ठीक ना, तो देखिए चबूतरे का आयतन कितना होगा, क्योंकि ये घनाभाकार है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी l इंटू बी इंटू एच बराबर मिट्टी का आयतन, है ना, मिट्टी का आयतन हमने निकाला यहाँ पर 770 मीटर क्यूब, वही रख दिया। लंबाई कितनी है 22 मीटर, चौड़ाई है हमारी 14 मीटर, और ऊंचाई हमको निकालनी है इसलिए h मान लिया है इसको, बराबर कितना हो गया 770। अब इधर h, इधर अगर h को छोड़ेंगे तो इधर जाके वो बटे में हो जाएगा, मतलब 22 गुणे 14 यहाँ पे आके बटे में हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको काट देंगे तो यह आएगा 5/2, और 5/2 का भाग करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, यानी जो चबूतरे की ऊंचाई होगी वो कितनी आ जाएगी 2.5 मीटर, ठीक है। आई होप कि इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे और दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, आसान ही प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे समझ जाएंगे और कर लेंगे, ठीक ना। देखिए दूसरा उदाहरण यहाँ पे, 5.5 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर क्रॉस 3.5 सेंटीमीटर विमाओं का घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाया जाना आवश्यक है। मतलब इसका, इस प्रश्न का ये है कि हमको एक घनाभ बनाना है, और घनाभ बनाने के लिए सिक्कों का उपयोग किया जाना है, उन सिक्कों को पिघलाकर एक घनाभ बनाना है, ठीक है। घनाभ की जो डायमेंशंस दी गए हैं, विमाएं दी गई हैं, वो दी गई हैं, और एक सिक्के का जो क्या कह रहे हैं, व्यास और मोटाई। अब देखिए सिक्का कैसा होता है, सिक्का एक बेलन ही है, बेलनाकार होता है, जिसकी जो ऊंचाई है यानी सिक्के की मोटाई वो कितनी है 2.5 मीटर, क्योंकि वो हमको बेलन जैसे लगता नहीं है लेकिन होता बेलन ही है, जो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई है वही सिक्के की मोटाई है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब सिक्का कैसा है, बेलनाकार, तो बेलन का जो व्यास है वो दे दिया गया और ऊंचाई दी गई 2 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बोला है कि कितने चांदी के सिक्के लगेंगे अगर हमको इतने का घनाभ बनाना है, तो कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे इसको हल करते हैं, प्रश्न समझ में आ गया हमारे। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक सिक्के का व्यास कितना है 1.75 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर गलत लिखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी 1.75/2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब इसके आगे है प्रत्येक सिक्के की मोटाई। अब मोटाई मतलब जो बेलन है उसका, सिक्का कैसा होता है, बेलनाकार, तो बेलन की ऊंचाई हो गई ये 2.2 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर है, बाकी सारे सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये आएगा कितना 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस मिलीमीटर को हमने बदल दिया सेंटीमीटर में, तो 2/10 सेंटीमीटर आ गया। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे मान रहे हैं कि जो सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या है जिनको पिघलाया जाना है वो n है, मतलब n सिक्कों को पिघला के हम घनाभ बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो सिक्के हैं वो कितने लग रहे हैं, n लग रहे हैं, बराबर है सबका मोटाई और व्यास बराबर है सारे सिक्कों का, ठीक ना। अब देखिए चूंकि सिक्का कैसा है, बेलनाकार है, यहाँ पे देखिए दिया भी है सिक्का कैसा है, बेलनाकार है, मतलब जो देखिए यहाँ पर क्या है, जितने सिक्के पिघलाएंगे उनका आयतन और जो घनाभ बनेगा उसका आयतन दोनों का बराबर होगा, है ना। तो एक सिक्के का आयतन कितना होगा, जितना बेलन का आयतन होगा, और उसमें हम कितने सिक्के ले रहे हैं, एन सिक्के ले रहे हैं, तो एन सिक्कों का आयतन कितना हो जाएगा, एक सिक्के का आयतन गुणे एन हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर किया गया है, देखिए ये वाला, एक सिक्के का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच,
और n सिक्के हैं इसलिए n कर दिया, मतलब हम सभी सिक्कों का आयतन निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी सिक्कों का, ये जितने भी सिक्के हैं उनका आयतन निकाल रहे हैं। तो एक सिक्के का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच इंटू n कर दिए तो n सिक्कों का आयतन आ गया। यहाँ पे r का वैल्यू रख दीजिए, r का वैल्यू रख दिए, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है, और स्क्वायर कर दिए इंटू एच का वैल्यू। एच का वैल्यू हम कितना बताए थे, जो मोटाई है यानी ऊंचाई बेलन की, 2/10 सेंटीमीटर में, है ना, सेंटीमीटर में 2/10, तो यहाँ पे 2/10 रखा गया है सेंटीमीटर क्यूब, ये तो मात्रक है, ठीक है। अब इसको यहीं पर रहने दीजिए। अब देखिए आगे चलते हैं, तो जो ये घनाभ का आयतन होगा वो एन सिक्कों के आयतन के बराबर होगा, इतना तो आप समझ गए। अब घनाभ का आयतन कितना होगा, घनाभ के आयतन के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, है ना। अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, कितनी कितनी दी गई है, ऊपर हमने देखा था, यहाँ पे देख सकते हैं 5.5, 10 और 3.5, इन तीनों को हम लोग गुणा कर देंगे तो घनाभ का आयतन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है घनाभ का आयतन कितना होगा, एन सिक्कों के आयतन के बराबर होगा, और घनाभ का आयतन यहाँ पर देख लीजिए, तीनों को गुणा कर दिए और बराबर कर दिए एन सिक्कों के आयतन के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से इन सबको हमने गुणा किया, फिर इधर जो भी था उसको खोल दिए और इधर सबको बटे में ला दिए, आप लोग कर लीजिए, देख लीजिए कैसे कैसे किया है, ठीक ना। और एन को यहीं पर छोड़ दीजिए क्योंकि एन इधर गुणा में है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो इधर बटे में आ जाएंगी, ठीक ना। तो एन को उधर ही छोड़िए, बाकी सारे को इधर ले आइए, तो ये सारी चीज़ें इधर आ गई, और काट पीटने के बाद हमारा एन का जो वैल्यू आया कितना आया, 400 आ गया। यानी यहाँ पे 400 सिक्कों को पिघलाने पर ये जो हमारा घनाभ है वो बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इसमें ज़्यादा कठिन था नहीं, हमको मानना था कि n सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या n है, उसमें n सिक्कों का आयतन निकाल लिए और उस आयतन को किसके बराबर कर दिए, घनाभ के आयतन के बराबर, तो हमारा वहाँ से n का मान निकल आया, ठीक है। चलिए ये उदाहरण भी हमारा हो गया होगा, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, स्वयं प्रयास कीजिए, इनको खुद से प्रयास करना है, इनको पढ़ना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पहला प्रश्न दिया गया है ना, ये नया प्रश्न है, लेकिन जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलन का टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है तो कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। ये प्रश्न हमको पिछला जो हमारा कार्यपत्रक था उसमें भी दिया गया था, ठीक ना। तो अगर ये प्रश्न देखना चाहते हैं तो पिछले कार्यपत्रक में जाके आप लोग देख सकते हैं, ये पिछले कार्यपत्रक का ही प्रश्न है, ठीक है, वहाँ पे हमने इसको कराया है, तो आप लोग देख लीजिए। अब हमको सिर्फ करना है ये वाला पहला प्रश्न, जो कि चलिए आगे हम लोग करते हैं इसको अच्छे से समझ के, इस प्रश्न को भी, ज़्यादा कठिन ये भी प्रश्न नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखिए। यहाँ पर पहले प्रश्न में दिया है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, ठीक है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय यानी रिंग बनाते हुए एक समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का एक बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न पढ़ लिया हम लोग, अब देखते हैं यहाँ पर जो हमने चित्र बनाया है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चित्र ज़्यादा अच्छा बना नहीं है लेकिन फिर भी समझने का कोशिश करते हैं। देखिए कुआं कितना खोदा गया, पहले तो हमने व्यास देखना है कि कितना कुआं, कितने व्यास का कुआं बना गया है, ठीक है। तो इसकी जो कुएं की व्यास है वो कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। व्यास कितनी है, 3 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये कुआं खोदा गया कहाँ तक, यहाँ तक, यानी 14 मीटर गहरा कुआं खोदा गया, ठीक है। ये कितनी है, 14 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गहरा कुआं खोदा गया जिसका व्यास कितना था, 3 मीटर, और ऊंचाई यानी गहराई कितनी थी, 14 मीटर, ठीक है। अब इस कुआं को खोदने के बाद, ये जो कुआं है इसको खोदने के बाद जो भी मिट्टी निकली, उस मिट्टी को चारों ओर, इस कुएं के चारों ओर जमीन में फैला दिया गया और एक तरह का चबूतरा टाइप का बना दिया गया, मतलब कुएं के चारों ओर गोलाकार चबूतरा बना दिया गया, रिंग बना दिया गया, ठीक है। तो देखिए वहीं यहाँ पे बनाने का कोशिश किए हैं, तो ये जो है देखिए ये भाग खाली है, है ना, इतना इतना भाग खाली है यानी कुएं के लिए, और इधर ये जो है ये पूरा ये चबूतरा बनाया गया है, और इस चबूतरे की जो ऊंचाई है वो हमको निकालनी है, और ये जो बनाया गया है वो कितने मीटर का चौड़ा बनाया गया है, 4 मीटर चौड़ा बनाया गया है, कितना, 4 मीटर चौड़ा
एक चबूतरा बनाया गया, ठीक है, कुएं के चारों ओर, जो मिट्टी कुएं से खोद के निकाली गई थी उससे। अब देखें, मतलब ये कैसा होगा, बेलनाकार होगा, यानी बेलन की ऊंचाई हमको निकालनी है, ये एच निकालनी है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि वो जो चबूतरा बनाए थे, रिंग बनाए थे गोलाकार चारों ओर कुएं के, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, क्योंकि मोटाई हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, चौड़ाई कितनी दी गई है 4 मीटर, ऊंचाई हमको निकालनी है, ठीक है। चलिए तो अब इसको हल किया जाए। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में कॉन्सेप्ट ये है कि जितना मिट्टी यहाँ से निकलेगा वही मिट्टी हम यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं चबूतरा बनाने के लिए, है ना। यानी जितना इसका आयतन होगा, जितना इस मिट्टी का आयतन होगा जो यहाँ से निकला है, उतना ही आयतन किसका होगा, इस चबूतरे का आयतन होगा, तो वही हमको करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, त्रिज्या आर बराबर ये हो जाएगा 3/2 मीटर, ठीक है। अब ये जब 3/2 मीटर है तो ये वाला भी कितना होगा, 3/2 मीटर होगा, यानी ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3/2 मीटर, ठीक है। और यहाँ से ये पूरा कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल ये कितना है 4 मीटर है ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, 7 मीटर नहीं, 3/2 और प्लस 4 मीटर, यानी 4.5 मीटर हो गया, 5.5 मीटर, ठीक है। चलिए तो अब करते हैं इसको, सबसे पहले हम लोग कुएं का देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुएं की त्रिज्या, है ना, कुएं की त्रिज्या आर बराबर कितनी होगी, यहाँ पर देख सकते हैं 3/2 मीटर, ठीक है। गहराई कितनी है, गहराई h बराबर कितनी है, 14 मीटर, ठीक है। h इसको मत मानो, इसको h डैश मान लेते हैं, क्योंकि h हमने इसको माना है, ठीक ना। h डैश कितनी है, 14 मीटर है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, और जितना इस कुएं का आयतन होगा उतना ही मिट्टी का भी आयतन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कुएं से निकली, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन कितना होगा, कुएं के आयतन के बराबर, है ना, यानी कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच डैश। एच डैश क्यों, इसका ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो वैल्यू, कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 इक्वल टू, अब यहाँ पे आर कितना है, 3/2 इंटू 3/2 यानी आर 2 बार है, और इंटू एच कितना हो गया, 14, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट दीजिए 2 बार में, तो ये हाँ ये 2 बार में कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, और इस 2 से 11 बार में ये कट गया, यानी 11 × 2 = 22, 2 तो ये कट गया है ना, और 3 × 9 और 11, 11 × 9 यानी 99 मीटर क्यूब, 99 मीटर क्यूब कितना आ गया, क्या आ गया, मिट्टी जो निकली थी कुएं से उसकी आयतन आ गई, ठीक है। चलिए अब देखिए, जितना इस मिट्टी का आयतन होगा उतना ही ये जो किनारे किनारे मिट्टी है उसका आयतन होगा। अब किनारे किनारे जो मिट्टी है उसका आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग ऐसे दिखाएं, देख सकते हैं ये जो छोटा वाला कुएं का रिंग है, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ये भी वृत्ताकार होगा, और इसके बाहर वाला जो भाग है उसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे, है ना, ऐसे। तो ये कितना है, 3 मीटर है, 3/2 मीटर है ना, और ये कितना है, 4 मीटर है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा कितना, 3/2 और +4, ठीक है, 3/2 + 4 मीटर में। यानी जो बड़ा वाला वृत्त बन रहा है उसका त्रिज्या कितना हो गया, 3/2 + 4 मीटर, है ना, और जो छोटा वाला त्रिज्या दिख रहा है उसका 3/2 मीटर। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी सिर्फ इतने भाग में है, है ना, इस वाले भाग में, इस वाले भाग में, इस वाले भाग में तो नहीं है, क्योंकि ये वाला भाग पूरा का पूरा खाली है। तो आयतन कैसे निकालेंगे, अगर हम इस बड़े वाले बेलन का, ये एक बेलन ही है, यहाँ से देखिए ये पूरा बड़ा वाला बेलन, ठीक ना, और एक अंदर वाला बेलन है जो कि यहाँ तक है, है ना, यहाँ तक। तो बाहर वाले बेलन का आयतन में से अंदर वाले बेलन का आयतन घटा देंगे तो ये आ जाएगा, मतलब इसका आयतन, बीच वाले भाग का, यानी इसके मिट्टी वाले भाग का आयतन, है ना, तो वही हमको करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो रिंग बना है, वलय, वलय के बाहरी बाहरी भाग की त्रिज्या, त्रिज्या अगर इसको R2 लिखें हम, तो R2 बराबर कितना होगा, 3 का आधा, यानी ये जिसकी जो इसकी त्रिज्या थी, और 4,
यानी 3/2 + 4, और ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 3 = 11/2, ठीक है, 11/2 मीटर। और आंतरिक भाग यानी यहाँ पे लिखेंगे वलय के आंतरिक भाग की त्रिज्या, है ना, आंतरिक भाग की त्रिज्या आर वन मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 3/2 मीटर, ठीक है, आंतरिक भाग। अब हम क्या करेंगे, बाहरी भाग का आयतन माइनस अंदर वाले भाग का आयतन, तो यहाँ पे अगर हम लिखें वलय का आयतन बराबर कितना होगा, बाहरी भाग का आयतन, बाहरी भाग का आयतन और माइनस कर देंगे आंतरिक भाग का आयतन, आंतरिक भाग का आयतन, ठीक है, इतना। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि हमको सिर्फ ये वाला आयतन चाहिए, बीच वाला चाहिए, ठीक ना, तो बाहर वाले का आयतन माइनस अंदर वाले का आयतन, तो आ गया बीच वाले का आयतन। अब बाहर वाले भाग का आयतन कितना होगा, पाई आर टू स्क्वायर, क्योंकि बाहर की त्रिज्या कितनी है, आर टू है, इंटू एच, एच क्या है, हाइट है, ठीक है, इसकी हाइट ये वाली, माइनस पाई आर वन स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि हाइट तो दोनों के बराबर है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, पाई और एच को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो पाई और एच कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, चलिए इतना हो गया, है ना। अब यहाँ पे मिट्टी का आयतन आप लोग ध्यान रखिएगा कितना आया है, मिट्टी का आयतन 99 मीटर क्यूब, ठीक है, इसको इरेज करते हैं और आगे हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वलय का आयतन कितना हो गया, ये हो गया पाई एच इंटू आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर, ठीक ना, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू एच, एच रहने दो क्योंकि हमको नहीं दिया, यही निकालना है। आर वन कितना था, 11/2 हमने निकाला था, है ना, तो 11/2 का स्क्वायर करोगे तो 11/2 का स्क्वायर माइनस कितना आया था, अंदर वाले त्रिज्या 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर हो गया ये, है ना, इक्वल टू यहाँ पे 22/7 इंटू ये हो गया एच, इसको मिटा देते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पर। अब देखिए आगे देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 11 का 121 और 4 - 9/4, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से 22/7 इंटू एच और ये हो जाएगा कितना, 21 में से 9 घटाओ 112, है ना, 112/4 हो जाएगा ये, ठीक है, चलिए अब इतना हो गया। तो अब वलय का आयतन कितना आ गया, इतना आ गया, यानी इस रिंग में जितनी मिट्टी लगी है वो किसके आयतन के बराबर होगी, इसके आयतन के बराबर। और वो मिट्टी निकली कहाँ से है, यहाँ से कुएं से निकली है, मतलब मिट्टी का आयतन किसके बराबर होगा, वलय के आयतन के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा वलय का आयतन, है ना, वलय का आयतन रख दीजिए बराबर। मिट्टी का आयतन कितना था, यहाँ पे हमने लिख रखा है कितना है, 99, और इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 22/7 इंटू एच इंटू 112/4, है ना, सबको इधर ले आइए, देखिए ये कट जाएगा, 7 से कट जाएगा ना, हाँ, 7 × 7 बचा 4 और 2 हो गया 42, 7 × 42, ठीक है, 16 बार में कट गया, और ये 4 बार में ये भी कट जाएगा, तो इसको भी 4 से काट दो। अब इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 99 और डिवाइडेड बाई 4 × 22 इक्वल टू एच आ गया। अब यहाँ से इसको अगर भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 99/22 = 88, ठीक है, इक्वल टू एच, यानी इसको भी 11 से काट दो तो 9 हो जाएगा, इसको भी 11 से काट दो तो 8, यानी एच इक्वल टू कितना आ गया, 9/8 मीटर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी इस जो रिंग था, जो वलय था, उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 9/8 मीटर, यानी इसको भाग दे देंगे तो कुछ आएगा, 1.112 के समथिंग आएगा, ठीक ना, तो इसको भाग देने के बाद 1.12 मीटर आ जाएगा हमारी इसकी ऊंचाई। तो हो गया हमारा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न हमने क्या बताया था कि पिछला जो हमारा वर्कशीट था, पिछला कार्यपत्रक, उसमें वो दिया गया है, ठीक ना, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं दूसरा प्रश्न का उत्तर। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया, तो यहाँ पर जो हमारा वर्कशीट है वो कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अगले कार्यपत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।